ऑल राइट सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपकी क्लास नाइन्थ बायो का बहुत क्रूशियल चैप्टर है अब इस चैप्टर में ना बहुत सारे नए टर्म्स हैं और बहुत डिफिकल्ट टर्म्स हैं और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है तो बायो में यूजुअली चैप्टर्स थ्योरी ही है बेस्ड है उनमें कुछ समझना इतना नहीं है बट ये चैप्टर में थोड़ा रटने वाली चीजें ज्यादा हैं थोड़ी टर्म्स ज्यादा हैं तो इसके नोट्स बनाते हुए चलना इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना और हम लोग स्टार्ट कर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसके टाइटल को ही समझे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो हम हैं जीव जंतु और जितनी भी लिविंग चीजें जो रिस्पायर करती है या वो अलाइव है है ना अब सब सेम टाइप के तो नहीं है जैसे मैं भी लिविंग हूँ और वहीं पे एक रोज़ का प्लांट भी living है। तो क्या मेरे में और उस रोज़ के प्लांट में रेस्पिरेशन के अलावा कोई और चीज़ कॉमन है नहीं है उसका कलर अलग है उसकी टाइप अलग है उसकी हेरिडिटी अलग है उसकी सब चीज़ें मेरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या है डाइवर्सिटी है मतलब क्या वैरायटी है किसके बीच में हम सब के बीच में हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो इसी चैप्टर में अब हमने एग्जाम्पल ले लिया रोज का और मेरा ऐसे अमीबा है अमीबा भी बिल्कुल जिंदा है उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस है एक मल्टी सेलुलर है एक यूनि है बट दोनों लिविंग है ना तो हम कैसे सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन पे सबको पढ़ सकते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल और उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लासिफिकेशन का और क्लासिफिकेशन क्या करना मतलब चीज़ों को डिवाइड करना हमारी रेफरेंस के लिए उनको असॉर्ट करना असॉर्ट मतलब उनको डिवीज़न में ला के उनको सॉर्टिंग करना जैसे कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स तो हमने एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल दिया एंड दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप में डाल दिया तो जब हमने उनको क्लासिफाई करा मतलब क्लासिफिकेशन uh, की डेफिनेशन में हम क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते जिस भी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे होते ना उसकी डेफिनेशन में हम वही वर्ड नहीं डाल सकते हमें कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड डालना पड़ता है तो यहाँ पे हमने क्या डाला अरेंजमेंट या डिविजन हमने जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ मतलब उनमें क्या चीज़ें सेम हैं उनमें क्या चीज़ें कॉमन हैं एंड ऑन द बेस ऑफ देर डिफरेंसिस की क्या चीजें अलग है अब प्लांट्स एंड एनिमल्स में अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स तो ये प्लांट और एनिमल्स सबसे ब्रॉड क्लासीफिकेशन है क्योंकि दोनों ही लिविंग है बट दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है तो यहाँ पे हमने किया ऑन द बेस ऑफ द डिफरेंस बट अगर मैं एनिमल क्लासिफिकेशन में डॉग्स को लूँ तो डॉग्स क्या है मैमल्स हैं और वहीं पर प्लांट क्लासिफिकेशन में एक हिबिस्कस लूँ तो उनमें क्या है उनमें डिफरेंसेस हैं बट एनिमल क्लासिफिकेशन में अगर मैं डॉग को लूँ और अगर मैं एक वेल को लूँ या अगर वेल को भी नहीं अगर मैं एक फिश को लूँ या फ्रॉग को लूँ तो उनमें सिमिलैरिटी भी है कि ये सब एनिमल क्लासिफिकेशन में ही आते हैं तो हमने इनको क्लासिफाई करा ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तो इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। एंड अगर हम क्लासिफिकेशन के बेसिस को आगे देखें ऑन द बेसिस ऑफ सेल तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है अब न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो हम लोग होंगे या तो प्रोकैरियोटिक या तो यू तो इसके डायग्राम में मेरे को यू में क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना ये वेल well डिफाइंड है ये न्यूक्लियस क्या है वेल well डिफाइंड है जबकि प्रो में हमारे पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है न्यूक्लियस की डेफिनेशन एकदम क्लियर नहीं होती है यहाँ पर एक हमें सेपरेशन दिखता है साइटोसोम प्रोटोप्लाज्म और सब चीज़ों में न्यूक्लियस भी हमें एक अलग दिखता है यहाँ पे सब एक ही सेल के अंदर घुचड़ कचड़ करके वहीं पे प्रेजेंट है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी एबसेंट है और यहाँ पे हमें सेल ऑर्गेनेल्स भी दिख रहे हैं जैसे माइटोग्रिया हो गया राइबोसोम्स हो गए तो ये थे डिफरेंस प्रो एंड यू में अगर हम इसको और क्लासीफाई करें तो सेल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर या तो वो होंगे सिंगल सेलुलर या तो वो होंगे मल्टी सेल्यूलर सिंगल सेल्यूलर सेल्स को हम लोग यूनी सेल्यूलर भी बोलते हैं एंड एज सजेस्ट्स हमें पता है कि इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं मतलब मैं इधर वन प्लस लिख देती हूँ अफकोर्स एक से ज्यादा ही होंगे अब अगर एक से ज्यादा सेल है तो फिर क्या बनेगा टिश्यू बनेगा टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स बनेंगे तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैं और आप यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर यूज़ किया जाता है हम लोगों के लिए हमारे पैक्स के लिए प्लांट के लिए सब चीज़ों के लिए और यूनीलुलर मतलब सिंगल सेल्यूलर होता है जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा इसमें क्या है एक ही सेल है और वो एक ही सेल इनकी सारी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है मतलब वो एक ही सेल सब काम करेगा वो उनका डाइजेशन करेगा एसिमिलेशन करेगा रेस्पिरेशन करेगा सब करेगा सब एक ही सेल पूरे घर का काम उनकी पूरी बॉडी का काम करता है वहीं पे अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ पे अलग अलग सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब सिर्फ हमारी बात नहीं अगर हम प्लांट्स में भी देखें तो हमारे पास जाइलम होता है जो क्या करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो यहाँ पे भी अलग अलग, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अलग अलग सेल्स हैं सो so, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड मतलब क्या कि खाना बनाना खाना कैसे बन रहा है और खाना बनाने की जो एबिलिटी है अब तुम लोग बोलोगे खाना तो मेरी मम्मा भी बना सकती है मम्मा बना सकती है बट मम्मी को भी रॉ मटेरियल की नीड तो होगी ही होगी अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए तो वहीं पे ऑटोट्रोपिक वही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑन देयर ओन एंड दे डू नॉट नीड एनी रॉ मटीरियल इनको किसी रॉ मटीरियल की भी नीड नहीं होती है वहीं पर अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक की तो वो होते हैं हम लोग जो बेचारे प्लांट्स पे अपने खाने के लिए हम लोग क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं और ना ही सिर्फ प्लांट्स पर बहुत सारे कार्निवर्स और ओमनीवोर्स एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं तो इन शॉर्ट हेट्रोटॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो भले ही वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो भले ही वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के ऑन द बेसिस ऑफ फूड केपेबल नहीं है देन दे कम अंडर हेटरोट्रॉपिक। और वहीं पे अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक अब ऑटोट्रॉपिक हमने सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमें सबको रटी हुई है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जो हमारी ग्रास है उसके पास क्लोरोफिल है तो वो ग्रास अपना खाना खुद बना लेती है धूप में पानी में और एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह जो भी उसकी नीड होगी एंड उस ग्रास को खाती हूँ मैं तो मैं हो गई हेड्रोट्रॉपिक तो अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें फूड चेन वाली चीज़ देखें तो हर फूड चेन बिगिन होती है ऑटोट्रॉपिक लेवल पे क्योंकि भले ग्रास खा रहा है एक ग्रास ऑपर ग्रास हॉपर भी अपना खाना खुद नहीं बना रहा वो खा एक ग्रास ही रहा है और उसी ग्रास हॉपर को फिर खाएगा फ्रॉग फ्रॉग को खाएगा मे बी स्नेक स्नेक को खाएगी मे बी ईगल तो यहाँ पे हमने क्या देखा हमने ये देखा कि प्लांट से ही मतलब ऑटोट्रोपिक चीज़ों से ही हमारी फूड चेन फूड वेब सब बिगिन हो रहा है अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है अगर तुम लोगों ने यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो तो तुमको पता होगा कि जब मल्टी सेल्युलर वाली ऑर्गेनिजम्स की बात आई थी तो मैंने एक वर्ड यूज किया था कि यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है अब वो क्या होती है देखो क्या होती है कि अगर सेल है सेम टाइप के सेल सेम टाइप के सेल मतलब क्या वो सेल जो स्ट्रक्चर में भी सेम हो और वो सेल जो फंक्शन में भी सेम हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं टिश्यू वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं टिश्यू और टिश्यू से फॉर्म होता है हमारा ऑर्गन ऑर्गन से फॉर्म होगा हमारा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद बनेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे क्या है एक लेवल दो लेवल तीन लेवल, चार लेवल और पांच लेवल जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मेरे अंदर मेरा पूरा जो आ, प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी जैसे हम रिप्रोडक्शन में भी क्या पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस बिगिन होती है एज एन इंडिविजुअल सेल जिसको हम क्या बोलते हैं जाइगोट। तो वो जाइगोट डेवलप होता है पहले टिश्यूज में वो टिश्यू डेवलप होते हैं ऑर्गन में फिर हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम जैसे जब पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है तो धीरे धीरे मंथ बाय मंथ हमारे नाइन मंथ्स में पूरा बॉडी डेवलप होता है पहले हमारा एक जयगोट होता है फिर हमारे टिश्यूज थोड़े फॉर्म होते हैं फिर हमारा ऑर्गन फॉर्म होता है ऑर्गन से फिर हमारा थोड़ा ब्रेन डेवलप होने लगता है ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं तो अलग अलग लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग अब यहाँ पे जितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते जाएंगे उतनी वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जैसे अगर हम एग्जाम्पल एक हॉर्स का तो हॉर्स में पहले था न्यूक्लियस न्यूक्लियस से बने टिश्यू टिश्यू से बना उसका ऑर्गन ऑर्गन से बना उसका पूरा ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद बने और वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म तो ये सिर्फ प्रेजेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूनी या सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ एबसेंट होती है क्योंकि उसमें एक ही सेल होता है वो एक ही सेल सब काम कर लेता है वो बहुत टैलेंटेड सेल होता है सो so अब हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो अब एनिमल्स में ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना ये डिफरेंट होती हैं ऑफकोर्स हम लोग प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और हमारी जो बॉडी डिजाइन है प्लांट से अलग होती हैं और अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स में सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा जो डिस्टिंगशन हम कर सकते हैं वो करेंगे हम या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ था एंड इसमें पांच किंगडम्स बनाए गए थे मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाई किया था हम तो जानते हैं सिर्फ प्लांट एंड एनिमल्स को और ऐसे और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस हमें नहीं पता है तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था प्रोटिस्टा मोनेरा फंगय प्लांटे मतलब किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया तो ये पांच किंगडम्स हैं जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था एंड इन किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी ये चैप्टर बहुत सिंप्लीफाई होके मिले हम लोग आपका पूरा काम सिंप्लीफाई करके आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करेंगे क्लास नाइंथ एंड क्लास टेंथ का सो टेल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग